अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग सैर करेंगे ला मोलिना की, जहाँ पे कल ही बर्फ़बारी ख़त्म हुई है और हम लोग इधर आज आए हैं फैमिली के साथ। चलो मैंने कहा एक वीडियो भी बनाते जाएं अपने दोस्तों के लिए, तो यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। यहाँ पे देख सकते हैं सब अभी बर्फ़ का सीन है यहाँ पर। तो विल गो अप बिट कोल्ड, -4 है टेम्परेचर अभी यहाँ पे। तकरीबन यहाँ पे सफ़र है 250 किलोमीटर का और 2 से ढाई घंटे लगते हैं आने में। चलते हैं ऊपर। जी दोस्तों, आप ये ना समझिएगा कि मुझे सर्दी नहीं लग रही, वाकई बहुत लग रही है। ओ भैया बहुत ज़्यादा सर्दी है। ओह लेकिन इट्स फन, बड़ा ज़बरदस्त किस्म। अभी आपको ऊपर की तरफ जाता हूँ, दिखाते हैं वहाँ पे भी। जी देख सकते हैं। लेकिन गुड, आज सनी है यहाँ पर काफ़ी। धूप शूप है लेकिन अभी भी -3 -4 2 जाएगा। सूरज में निकलने पे 2 होगा अभी टेम्परेचर, 2-3। स्की चल रही, बच्चे जा रहे हैं ऊपर स्की के लिए। बहुत ही खूबसूरत व्यू है जी। वहाँ दूर देख सकते हैं चेयरलिफ्ट चल रही है, जो स्की करने वाले को ऊपर लेके जाएंगी, वहाँ से वो नीचे आएंगे। ऑसम व्यू। मैं लास्ट आया था यहाँ पे, मैंने स्की किट पहन ली थी, मेरी तो हशर हो गया था। मैं तो गालियाँ नहीं गा रहा था कि किसी तरह उतार दो भाई, और 25 दफ़ा गिराऊंगा मैं। सो डिसाइडेड नॉट टू यूज़ दिस टाइम। वाह ये बच्चे ऊपर जाएंगे, जो भी किड्स एरिया एक्चुअली यहाँ पे छोटे बच्चे कर रहे हैं स्की, बट दे एक्सपर्ट। हाँ माय गॉड, हम में से तो कोई भी ना कर सके। होला ये बेल्ट चल रहा है, इस पे से लोग आप फिर वहाँ से डाउन। आप देख सकते हैं ये बच्चे। ओ हम लोग अभी ऊपर वाले पार्ट पर आ गए हैं। मैं अपने बैक पे दिखाता हूँ, और बच्चों के स्की का ऊपर भी प्लान हो रहा है। सो लेट्स सी, वो स्टार्ट अगेन। ये जी अपर पार्ट, और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मैंने देखा 2-4 फैमिलीज अभी नज़र आई हैं मुझे यहाँ पर। मोरक्कीज़ भी आए हुए हैं। ये है बच्चों वाला पार्ट जी, जिसमें बच्चे नीचे ये छोटी बोट सी लेके जाते हैं स्केट ऊपर, और फिर वहाँ से वो नीचे आते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त मौसम है, एक्चुअली सन भी निकला हुआ है। सो जो नॉर्मल सर्दी कह लो कि -3 की होनी चाहिए, सूरज की वजह से बचत हुई हुई है। ये सारा बैक व्यू है, पीछे बार वगैरह रेस्टोरेंट्स हैं। इस तरफ भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये दिखा रहे हैं कि सब स्की स्नो, मतलब एक और पार्ट है, मतलब यहाँ पर तकरीबन सारे जो स्नो से कवर्ड क्लिप्स वगैरह या माउंटेन्स वगैरह हैं, वो सारी उससे भरी हुई हैं। पीछे मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो चेयरलिफ्ट आपको नजर आ रही होंगी चलती हुई, बहुत दूर है वो, और वो ऊपर तक जा रही हैं वो, और ऊपर 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 यहाँ पे कहीं जा रही हैं, और ये इतनी दूर है मुझसे। ऊपर वाला पार्ट जो सा है, उधर वाला वो अडल्ट्स का है, और ऊपर जाओगे वो भी अडल्ट्स का है। कह लो कि वो तो बस स्ट्रीप ही है सारा, तो जो खड़ा हो तो वो 110 की स्पीड से नीचे आएगा। ग्रीनरी के साथ आइस, स्नो, बट नाइस। अभी खाने का भी टाइम हो रहा है, फैमिली खाना लगाएगी, तो मैं आपको तब तक यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। घर देखें, जैसे ही पानी इस पर बर्फ़ वगैरह गिरी तो सीधी नीचे, कहीं वो स्टे ना करे। कल से वेदर यहाँ पे बहुत स्टॉर्म वाला है, जो वेदर फोरकास्ट आ रही है। ओह गॉड, जहाँ पे भी मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, वो ये वाला पार्ट डाउन है। अभी हम ऊपर वाले हिस्से पे आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ से बच्चे, पेरेंट्स भी उनके साथ। ऊपर वाला अडल्ट्स के लिए ये है जी। ओह, इसमें गिरी भी टांग जाती है सीधी सीधी। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो, बिकॉज इसमें आपका ये जो नी से नीचे वाला पार्ट है वो टर्न नहीं हो सकता, क्योंकि बूट इतने लंबे होते हैं कि वो आपकी हड्डी को ब्रेक कर देते हैं सीधा ही। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ये स्की वगैरह के लिए। ये देखिए, यहाँ का रेस्टोरेंट है, इनसाइड व्यू इसका। बड़ा कल्चरल किस्म का बना हुआ है, बाहर ज़बरदस्त ठंड, और यहाँ पे इस आग ने सारे हॉल को नॉर्मल वेदर में चेंज किया हुआ है। यहाँ पे वो चीज़ें जो रेंट पर दी जाती हैं, मतलब स्कीज़ की और बच्चों के स्केटबोर्ड वगैरह सब। सी करो काफ़ी को ले चेक करवाओ पी लेगी। नाइस व्यू। कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।